नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे RSCIT का जो एग्ज़ाम हुआ है 8 जुलाई 2018 को, यानी आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी संपूर्ण आंसर की देखेंगे, टोटल 35 क्वेश्चन की। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी ऑफिशियल आंसर की यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की जाएगी और रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले सूचना आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में अंतिम गतिविधि को रीडू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा जो Ctrl+Y है, वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में, तो यहाँ पे आप ये थोड़ा ब्लैंक हुआ है इसलिए इंग्लिश वाला देखते हैं। इज एन इनपुट डिवाइस यूजेड टू इनपुट ऑडियो डाटा इनटू कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन, माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन है, यदि आप दस्तावेज को वर्ड 97 2003 वर्ड टेम्पलेट पीडीएफ और कई अन्य प्रारूपों जैसे दस्तावेजों को सहेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सेव एज, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में कंप्यूटर पर प्रत्येक सेटिंग तक पूर्ण पहुंच कौन से उपयोगकर्ता अकाउंट रखता है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन है, एक वेब संसाधन का संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर अपना स्थान निर्दिष्ट करता है तथा इसे पुनः प्राप्त करने के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है, तो 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर ए ऑप्शन होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जब आप स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, स्लाइड ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विंडोज 10 का क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल है, तो यहाँ पे जो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप प्रत्येक पृष्ठ पर कंपनी के नाम और पेज नंबर जैसे टेक्स्ट को दोहराना चाहते हैं तो आप एमएस वर्ड 2010 में कौन सी सुविधा उपयुक्त है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, हेडर और फुटर। अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज सुविधा, तो ये सुविधा एमएस वर्ड 2010 में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में डेटा का ग्राफिकल रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर डी ऑप्शन, एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन है, सेल चुनने के बाद हम 12+26 × 3 लिखते हैं तो एंटर कुंजी दबाते हैं तो उस विशेष सेल के अंदर मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन, 90। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस स्वचालित रूप से प्रत्येक नई तालिका के लिए अपना फील्ड आईडी के नाम से बनाता है, उस आईडी का उपयोग क्या है, तो यहाँ पे आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर आंसर आएगा ए ऑप्शन, रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में चयनित कक्षों से चार्ट के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन, F11 यानी F11। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर, नेटवर्क राउटर का प्राथमिक कार्य डेटा पैकेट को अन्य नेटवर्क पर रूट करना है, तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर दो वक्तव्य दिए गए हैं, तो दूसरा वक्तव्य है, जब वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन, दोनों वक्तव्य 1 और 2 दोनों सही है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो राजस्थान से संबंधित है प्रत्येक भर्ती की न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलती है, और साथ में जब RSCIT के ऑफिशियल आंसर की यूनिवर्सिटी जारी करेगी और रिजल्ट जारी करेगी तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर न्यूज़ मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, एमएस आउटलुक 2010 में किसी प्रेषक के चयनित ईमेल संदेश को कौन सा फलक प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन, फोल्डर।
अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन खरीदारी करते समय जो आपको लेन देन की आपके लेन देन को सुरक्षित बनाता है, तो ओटीपी के माध्यम से आपको पता ही होगा कि लेन देन सुरक्षित होता है। जब भी हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमारे पास एक ओटीपी पासवर्ड आता है और उसे हम दर्ज करते हैं, तभी आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो पाता है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ओटीपी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, वेबकैम, तो ये सभी जो इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन जो आपका हेडफोन है ऑप्शन ए के अंदर, वो आउटपुट डिवाइस आएगा। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जिसे RSCIT @vyom.ac.in में अक्सर प्राप्तकर्ता का उपयोगकर्ता नाम कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी ऑप्शन के अंदर RSCIT, यानी जो शुरुआत के अंदर नाम होता है वही उपयोगकर्ता का प्राप्तकर्ता और उपयोगकर्ता का नाम कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, MS Excel 2010 में शीर्ष बाएं, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, पता क्या करें? तो यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ मैं डायरेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका जो A1 है, ए ऑप्शन के अंदर ए और फिर उसके बाद वन, तो ए ऑप्शन के अंदर जो है वो आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, रैम से अधिकतर उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर आएगा जो ए ऑप्शन है, कैश मेमोरी, वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड उदाहरण है, तो इनपुट डिवाइस ऑप्शन ए, बी है आउटपुट डिवाइस, सी है प्रसंस्करण डिवाइस और डी है भंडारण डिवाइस। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, प्रसंस्करण डिवाइस इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खोज इंजन से कौन सी प्रक्रिया संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा वेब क्रॉलिंग, इंडेपिक्स और खोज। अगला क्वेश्चन है, ट्विस्टेड पेयर तार केबल में दो तार को एक साथ क्यों मोड़ा जाता है? तो यहाँ पे आपका इसके अंदर आंसर आएगा जो ए ऑप्शन के अंदर है, क्रॉस स्टॉक और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी इलेक्ट्रॉनिटी के जो को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है आपको, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 24 नंबर क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन, आप प्रस्तुति से चयनित या वर्तमान स्लाइड छुपा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2010 टूल किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पिछला काम करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन, गोल सीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए हानिकारक है? तो ऑप्शन ए के अंदर है एंटीवायरस, बी है वायरस, सी है विंडोज और डी है फायरवॉल। तो यहाँ पे जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर के लिए हानिकारक है और इसका निवारण एंटीवायरस के माध्यम से किया जाता था। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन आएगा, वायरस। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, 12वीं MS Word 2010 में पेज नंबर, वर्कआउट, प्रूफ चेक इत्यादि जैसे कई विकल्प शामिल है। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन, स्टेटस। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका उपयोग PDF फाइलों को देखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो VLC प्लेयर है वो गाने और कैलकुलेटर का प्रयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता है और कंपाइलर का प्रयोग, तो यहाँ पे जो एडोब रीडर है उसका प्रयोग PDF को देखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क कंजेक्शन कब होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, जब दो नोड्स के बीच में कनेक्शन समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हम मौजूदा चयन के आधार पर शेष वर्कशीट स्क्रॉल करते समय पंक्तियां और स्तंभों को दिखाना चाहते हैं, तो मैं एक्सेल 2010 में चुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका आएगा फ्रिज पेन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, MS PowerPoint 2010 में कौन सा स्मार्ट आर्ट नहीं है? तो यहाँ पे आंसर आएगा ए ऑप्शन, लिस्ट। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन है आपको यहाँ पे करना है, तो
आपका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है इसका चयन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, VOIP का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो अगला क्वेश्चन है, स्काइप क्या है? तो स्काइप वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम के लिए एक ऐप है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो यहाँ पे डॉट्स प्रति इंच इसका DPI इसका आंसर आएगा। धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।